पाकिस्तान एक कमज़ोर कंट्री है, जो हमारे पास ताकत है, जो देश के पास ताकत है। मेरा ये कहना है कि दुनिया के कि किसी भी कंट्री में इतनी बड़ी सक्षम फौज नहीं। अब मेरा इस स्टेटमेंट पे काफ़ी रिएक्शन भी हुआ है, जो मैंने कहा कि पाकिस्तान में ये दम नहीं है कि वो यहाँ शेलिंग करेगा और सीज फायर वायलेशन करेगा। अगर आप पाकिस्तान को कमज़ोर भी नहीं मानते तो पाकिस्तान को ताकतवर भी नहीं मानते, आप कुछ तो माने ना। हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान में इतना दम नहीं है, ये जो कुछ भी हो रहा है ये एक अंडरस्टैंडिंग के तहत हो रहा है। अंडरस्टैंडिंग के तहत सीज फायर वायलेशन हो रही है और यहाँ के लोग जो हैं वो बेमौत मर रहे हैं। हम ये चाहेंगे कि कब तक बेमौत लोग हमारे मरते रहेंगे, कब तक हमारे जवान जो है सरहदों पे मरते रहेंगे, हमारे सिविलियन बेमौत मरते रहेंगे, देश के शहरी जो है, मासूम शहरी जो है, वो बेमौत मरते रहेंगे। इसको बंद करना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि ये जो सब हो रहा है, सीज फायर वायलेशन हो रहा है, यहाँ जो जो शेलिंग हो रही है, यहाँ जो लोग बेमौत मर रहे हैं, ये सिर्फ अपनी कुर्सी को, अपनी कुर्सी को जिंदा रखने के लिए, अपनी सियासत को जिंदा रखने के लिए है। आप बात करें पाकिस्तान के साथ, बात करें पाकिस्तान को कसूरवार आप ठहरा रहे, पाकिस्तान को आप ताकतवर भी नहीं मान रहे, पाकिस्तान को कमजोर भी नहीं मान रहे, तो कहां है 56 इंच का सीना मोदी साहब का? देश के प्रधानमंत्री को पाकिस्तान जो है वो हमारा जवाब दे तो नहीं, हम पाकिस्तान को पूछ नहीं सकते। हम ये चाहेंगे, हम पूछेंगे देश के प्रधानमंत्री को, हमारे देश का प्रधानमंत्री है मोदी साहब, हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम उनको पूछेंगे कि हम बेमौत मर रहे हैं जो हमारे लोग, इसका कौन जिम्मेदार है इस बात के लिए? अगर पाकिस्तान जिम्मेदार है तो उसको किनारे में खड़ा करें। क्यों नहीं पाकिस्तान को पूछा जा रहा है कि वो बेमौत लोग, हमारे लोग क्यों मर रहे हैं? पाकिस्तान में आप क्या कहते हैं कि दम है? आप ये मानते हैं पाकिस्तान में दम है? मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान में दम नहीं। अगर आप मीडिया फ्रेटर्निटी के लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान में दम है, आप उसके उनके आगे घुटना टेक रहे हैं, तो हमने कभी नहीं टेका। हमने 47 में पाकिस्तान के आगे घुटने नहीं टेके, हमने 65 में पाकिस्तान के आगे घुटने नहीं टेके, हमने 71 में नहीं टेके, हमने करगिल वार में नहीं टेके। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते रहे हैं हमारे लोग, और हमारे लोगों ने लाठियां लेके पाकिस्तान के साथ मुकाबला किया है। हम लोग पाकिस्तान को एक कमजोर तरीन मुल्क समझते हैं। पाकिस्तान हमारी फौज के साथ, हमारे साथ मुकाबला नहीं कर सकता है। हमारी फौज इतनी सक्षम है।